Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut mein Mohanpuri Nale ke paas, Galaxy Unisex naam se sanchalit parlor par sthaniya logon ne aaj chhapa maar diya. Sthaniya sabhasad Uttam Saini ne aarop lagaya ki saloon ki aad mein yahan massage center aur usme khuleaam देह व्यापार चल रहा है। भारी संख्या में लोगों के जमा होने के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर भीतर बंद हुई युवती को बाहर निकाला, जबकि कई युवतियां वहां से मौका पाकर भाग निकली। भीड़ से बचाकर पुलिस युवती को लेकर थाने चली गई। पार्लर को फिलहाल सील कर दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि स्थानीय सभासद व लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जाँच की जा रही है। जो भी जाँच में सामने आएगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह पार्लर मोहनपुरी नाले के पास बियर शॉप के ऊपर संचालित हो रहा है। इस बारे में स्थानीय भाजपा नेता उत्तम सैनी ने मीडिया को यह जानकारी दी। मेरा नाम उत्तम सैनी है, मैं पार्षद हूँ यहाँ के क्षेत्र का। यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक हेयर सैलून के नाम पर मसाज पार्लर चल रहा है, जिसकी सूचना हमने पहले उसकी जानकारी की थी। पता लगा कि इस पर पहले छापा पड़ा 15-20 दिन पहले, तो उसके पुलिस के द्वारा से बंद करा दिया गया था यहाँ पर। फिर उसके 8-10 दिन ये बंद रहा, उसके बाद ये 5-6 दिन से दोबारा चालू हो चुका है। यहाँ पर हमें इसकी सूचना मिली, लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर लड़के आते हैं मसाज पार्लर के नाम पर, यहाँ गलत धंधा चलता है। तो हमने सूचना पता लगी तो हमने एक लड़के को अंदर भेजा, तो वो लड़का जब अंदर गया तो उससे सीधा रिसेप्शन पर जाकर उससे कहा गया कि आप क्या कराना है। तो उन्होंने कहा जी मुझे मसाज करानी, तो उससे 800 रुपये लिए गए और 7-8 लड़कियों को बाहर बुलाया और उनसे कहा कि इसमें से कोई भी लड़की सिलेक्ट कर लो जिसको आपको अपनी मसाज कराने। उसके बाद वो लड़की उससे पैसे लेकर 800 रुपये लेकर वह अलग उसे छोटे से केन में ले जाते, उसके साथ कपड़ों उससे कहते अपने कपड़े उतारो। जबकि मैं उसके बाद तुरंत इस कैबिन के अंदर घुसा तो देखा एक लड़का वैसे अलग कैबिन में बंद था उसके साथ में, एक लड़की के साथ में। तो उसके बाद वो हमने उसे बताया, मैंने कहा मैं क्षेत्र का पार्षद, नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम शिवानी बताया मुझे कि मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। और इसके बाद पता लगा तो वो लड़की साईजदा पता नहीं कुछ जिसका ऐसी नाम है, मुस्लिम समाज की महिला निकली वो लड़की। और यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं लगातार चल रही है, उसके बंद होने के बाद भी चल रहा है। ये पिछले भी एक हफ्ते से दोबारा चालू हुआ है, पहले ये चल रहा था बंद हो गया था, इस पर बंद कई दिन 8-10 दिन बंद रहा, क्षेत्र के लोगों का 8 दिन या बंद रहा, पुलिस पकड़ के ले गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा ये चालू कर दिया। मौके पर 2 लोग पकड़े गए और लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी वीडियो मेरे पास है लड़कियों के अंदर। अब देखिए मौके का नजारा। इस बारे में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने यह जानकारी दी। देखिए कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर स्पा सेंटर के संचालन की सूचना दी गई थी और उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए। इसको हम लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, जांच की जा रही है, इसमें जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए वहाँ पर जो पब्लिक आई थी उनके द्वारा 1-2 लोगों को क्योंकि उनसे बात की जा रही थी पकड़ा जा रहा था, तो उनको पुलिस द्वारा ले जाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया पूछताछ के आधार पर और जांच के क्रम में इसमें जो भी पाया जाएगा उसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये इसकी जांच करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा है इसी बात की। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।